हेलो फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा ज्ञान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ वायल वॉशिंग मशीन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा ज्ञान पर और आज हम बात करने वाले हैं वायल वॉशिंग मशीन के क्वालिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में वायल वॉशिंग मशीन या फिर एम्प्यूल वायल और एम्प्यूल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो वॉशिंग प्रोसीजर और क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है सेम ही रहती है दोनों की इसलिए वायल और एम्प्यूल वॉशिंग मशीन की क्वालिफिकेशन प्रोसीजर और कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं और कौन कौन से को हम फॉलो करते हैं वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फार्माग्ञान लेट्स कंटिन्यू द बिग सो द नेक्स्ट टेस्ट फॉर वायल वॉशिंग मशीन क्वालिफिकेशन इज रिमूवल ऑफ इन्सोल्यूबल पार्टिकुलेट मैटर Removal of insoluble particulate matter to ensure that the while washing machine efficiency to remove the insoluble matter from the unwashed pile. So the procedure: prepare 0.5% wet by volume talc slurry or 1% wet by volume charcoal slurry, quantity as per requirement. Mark the required numbers of vials with permanent marker for identification. Spike dip the unwashed vials with prepared talc slurry, charcoal slurry and dry the spiked vials overnight or at least 8 hours under UAF Place the spiked or dipped vials in series on the infeed of the vial washing machine Keep the positive controls of spiked or dipped vials separately for testing Run the while washing machine as per SOP after washing collect the marked washed vials from the outfeed send the washed vials and unwashed vials positive control separately to qc for visible particulate matter test for washed vials and sub particulate matter test for unwashed vials positive controls to be tested physically against black and white background and also with liquid one particulate particle counter lvpc we will discuss the procedure in hindi briefly 0.5 percent weight by वॉल्यूम टेल्स स्लरी बनाएंगे या फिर वन परसेंट वेट वाई वॉल्यूम चारकोल स्लरी बनाएंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग फिर जितनी भी बाइल्स हमको टेस्ट करना है या फिर टेस्ट के लिए यूज़ करना है उनको परमानेंट मार्कर से आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क कर लेना है जो भी आपका चारकोल स्लरी है इनसोल्यूबल है ए बी सी डी जो भी मार्किंग रखनी है आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग फिर जो भी हमने वाइल्स ली हुई है उनको स्पाइक करना डिप करना है हमारा जो भी हमने स्लरी सॉल्यूशन बनाया है उसमें और कि जो इनसाइड का जो एरिया होता है वाइल का वो यूनिफॉर्मली उसमें स्प्रेड हो जाए जो भी टैल्क है टैल्क का और जो या चारकोल की जो स्लरी होती है वो अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए जब हम ये सारी प्रोसीजर कर लेंगे सारी वाइल को स्पाइक कर देंगे डिप कर देंगे उसके बाद में ओवरनाइट हमें इनको ड्राई करने के लिए या कम से कम आठ घंटे के लिए ड्राई करने के लिए अंडर यूएफ में रखना है ये करने के बाद में जब हमारी वायल्स ड्राई हो जाएंगी तो इन बाइल्स को हम इन फीड ऑफ द वायल वाशिंग मशीन में सीरियली रखना है सीरीज से ताकि जो वायल वाशिंग मशीन की जो जितनी भी नोजल्स हैं वो कवर हो जाएं फिर जो हमने डिप और स्पाइक की हुई वायल्स हैं उसके पॉजिटिव कंट्रोल्स भी हमें एक अलग रखना है टेस्टिंग के लिए उसके बाद में हमें वायल वाशिंग मशीन को एसओपी के अकॉर्डिंग रन करना है रन करने के बाद में जैसे वायल वॉश हो जाती है तो जो वास्ट वायल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेना है आउटफिड ऑफ द वायल वॉशिंग मशीन से और जो वास्ट वायल्स हैं वो और अनवास्ट वायल्स जो पॉजिटिव कंट्रोल लिए हैं उन सब दोनों को सेपरेटली अलग अलग पॉलीबैग में अलग अलग कंटेनर में रखकर क्यूसी में टेस्टिंग के लिए भेज देना है क्यूसी में क्या टेस्ट होगा विजिबल पर्टिकुलरट मैटर टेस्ट फॉर वास्ट वायल्स एंड सब विजिबल पर्टिकुलर मैटर टेस्ट फॉर अनवास्ट वायल्स पॉजिटिव कंट्रोल्स के लिए तो सबसे पहले क्या होता है जो भी हमने टेस्टिंग के लिए जो वाइल्स भेजी है वो पहले फिजिकली ब्लैक और व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में चेक करते हैं उसके बाद में एल बी पी सी लिक्विड वॉन पार्टिकल काउंटर पर भी इनका टेस्ट होता है और इसके अलावा अगर कोई फेलियर ऑब्जर्व होता है हमारा तो डेविएशन इनिशिएट करना है जो भी आपकी डेविएशन की एसओपी है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर वास्ट वाइल्स द वायल्स शुड बी फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकल्स जो मोर देन टेन मोर देन और इक्वल टू टेन माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं उसकी जो लिमिट है नॉट मोर देन फाइव हंड्रेड पार्टिकल्स पर वायल एंड मोर देन और इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं उसकी लिमिट है नॉट मोर देन फिफ्टी पार्टिकल्स पर वायल फॉर फॉर अनवाश वमेशन ओनली जो अनवास्ड वायल हम भेजते हैं पॉजिटिव कंट्रोल्स की वो इन्फॉर्मेशन परपज़ के लिए ही हम भेजते हैं ये यहाँ पर मैंने एट द रेट किया हुआ इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है फोर मोर क्लैरिटी रिफर यू एस पी मोनोग्राफ सॉरी यू एस पी चैप्टर एंड डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड तो ये जो कितने पार्टिकल्स होने चाहिए परवाइल में वो क्लियरिटी के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ इस स्लाइड पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एस पर यूएसपी एन एफ चैप्टर सेटिकुलर मैटर इन इंजेक्शन एंड ओ गाइडलाइन फाइव पॉइंट सेवन टेस्ट फॉर पर्टिकुलर कंटामिनेशन ये जो न, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है ये फिनिश प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है तो हम इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसका टेन परसेंट ही हम वायल वाशिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टेस्ट वन ए सोल्यूशंस फॉर पैरेंटल इन्फ्यूजन और सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शन सप्लाइड इन कंटेनर्स विद द नोमिनल कंटेंट ऑफ मोर देन हंड्रेड एम मतलब जो भी कंटेनर है हमारा पेरेंटल का हंड्रेड एम से ज़्यादा अगर उसका फिल वॉल्यूम है तो उसके लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो ये रहेगा द प्रीप्रेसेंट कम्पलाइज विद द टेस्ट इफ द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट्स टेस्टेड एक्सीड ट्वेंटी फाइव पर एम एल इक्वल टू और ग्रेटर देन टेन माइक्रोमीटर मतलब टेन माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं या टेन माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो ट्वेंटी फाइव पर एम एल एक एम एल में ट्वेंटी फाइव पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड डजेंट एक्सीड थ्री पर एम एल इक्वल टू और ग्रेटर माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं वो तीन पार्टिकल्स पर एम एल से ज्यादा नहीं होने चाहिए ये हंड्रेड एम एल से बड़े कंटेनर्स के लिए ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है एप्लीकेबल है नेक्स्ट जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है टेस्ट वन बी सोल्यूशंस फॉर पैरेंटल इन्फ्यूजन और सोल्यूशंस फॉर इंजेक्शन सप्लाइड इन कंटेनर्स विद ए नॉमिनल कंटेंट ऑफ लेस देन हंड्रेड एम एल मतलब जो कंटेनर्स uh, जिनका फिल वॉल्यूम या फिर जो भी पैरेंट्रल्स uh, हैं जिनका फिलवॉल्यूम हंड्रेड एम एल से कम है उनके लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो ये वाला रहेगा द प्रीप्रेसेंट कंप्लाइज विद द टेस्ट इफ द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट टेस्टेड डजेंट एक्सीड सिक्स थाउजेंड पर कंटेनर इक्वल टू और ग्रेटर देन टेन माइक्रोमीटर मतलब टेन माइक्रोन के बराबर या फिर उससे बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो सिक्स थाउजेंड पार्टिकल्स से ज़्यादा पर कंटेनर नहीं होना चाहिए एंड डजेंट एक्सीड सिक्स हंड्रेड पर कंटेनर इक्वल टू और ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव माइक्रोन अगर ट्वेंटी फाइव माइक्रोन या फिर उससे बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो सिक्स हंड्रेड पार्टिकल्स पर कंटेनर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये इंसोल्यूबल पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल स्टडी के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है यू एस सी एन एफ चैप्टर सेवन एटेड एंड डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन टेस्ट सेवन फाइव पॉइंट सेवन के अकॉर्डिंग